गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात कर रहे हैं। कल हमने अनुबंध के निष्पादन से संबंधित बात की थी, तो आज हम उसके बाद आगे एक टॉपिक जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, अनुबंध की समाप्ति। अनुबंध की समाप्ति, ये भी लिखा जा सकता है वैसे पहले की तरह सही है। अनुबंध समाप्त यानी समाप्त करने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, देखिए एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि दोनों ने अपने अपने दायित्वों को कर्तव्यों को पूरा कर लिया, दायित्वों को कर्तव्यों को पूरा कर लिया तो भी अनुबंध का समापन हो जाता है। ठीक है, अपने अपने कार्यों को पूरा करना अनुबंध की समाप्ति की श्रेणी कहलाती है। अब इसकी कुछ विधियां आती है, देखिए इसमें ज्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं है, सीधी सी बात है, अपने अपने दायित्वों को पूरा करना दोनों पक्षकारों द्वारा और अनुबंध को समाप्त करना। तो पहली जो विधि आती है उसमें है निष्पादन द्वारा समाप्ति, निष्पादन द्वारा समाप्ति यानी कि अपने अपने दायित्वों को पूरा करके अनुबंध को समापन करना, अनुबंध का समापन करना। ये तो कार्य को पूरा करके दोनों पक्षकारों ने उस अनुबंध को समाप्त कर दिया। दूसरी बात, दूसरी विधि आती है पारस्परिक ठहराव द्वारा या सहमति द्वारा समाप्ति। इसमें क्या होता है, दोनों पक्षकारों ने ठहराव किया, पहले ठहराव ही बनता है ना, तो ठहराव करके अगर दोनों सहमत हो गए कि हम ये कार्य पूरा नहीं करना चाहते तो भी समापन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कार्य शुरू कर भी लिया और बीच में भी अगर वो समापन करना चाहे तो समापन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस आती है। एक तो नवीनीकरण, यानी कि पहले वाले ठहराव को समापन करके नया अनुबंध उजागर करेंगे, उसमें पक्षकार वही होंगे, दोनों पहले वाले पक्षकार होंगे, पुराने अनुबंध को समाप्त कर दिया और नया अनुबंध लागू कर दिया। ठीक है, नवीनीकरण। दूसरा परिवर्तन द्वारा समाप्ति, परिवर्तन द्वारा समाप्ति मतलब पहले अनुबंध में या पहले ठहराव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करके, शर्तों में परिवर्तन करके या पक्षकार में किसी एक पक्षकार का परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन हो गया तो भी अनुबंध का समापन हो जाएगा। उसके बाद परिहार या अभिमुक्ति, मतलब अभिमुक्ति द्वारा समाप्ति, मतलब अपने 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 दायित्व से मुक्त होना। इस अनुबंध में ये बात कही गई है कि अपने दायित्व से अगर वो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है तो अगर दोनों पक्षकार उस चीज से सहमत है तो भी उस अनुबंध का समापन किया जा सकता है। उसके बाद आती है इसी में एक परिस्थिति, निरस्तीकरण, निरस्त करके, ठीक है, अनुबंध का समापन भी किया जा सकता है रद्द करके, दोनों पक्षकार अगर सहमत है तो। ठीक है, उसके बाद अभित्याग द्वारा समाप्ति, कोई एक पक्षकार अपने सुविधाओं को, अपनी इच्छाओं को या अपनी प्रॉफिट को त्याग करना चाहता है रद्द, और बाद में यह कहना चाहता है कि मैं ये अनुबंध रद्द करना चाहता हूं, लेकिन दोनों पक्षकार सहमत होने चाहिए। तो ये पांच कंडीशंस जो मैंने आपको इसमें बताई है, इसमें दोनों पक्षकार किसी भी कंडीशन से अगर सहमत है तो उस अनुबंध का समापन किया जा सकता है, और इसमें दोनों पक्षकार सहमत होने के बाद ही होगा, और इसमें कार्य पूरा करने के बाद, इसमें पारस्परिक ठहराव या सहमति द्वारा, और तीसरा है अवधि द्वारा समापन,
मतलब दोनों पक्षकारों ने, यानी कि या प्रस्ताव करने वाले ने क्या किया, कुछ दिन का समय मांगा, मान लीजिए 7 दिन, और 7 दिन बाद इस व्यक्ति ने उसे उस अनुबंध को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन कार्य पूरा नहीं किया और समय अवधि समाप्त हो गई, तो भी अनुबंध का समापन हो जाएगा। ठीक है, इसमें समय अवधि समापन होने के बाद अनुबंध का अब स्वतः ही समापन हो जाएगा। चौथी जो विधि है राजनियम के प्रभावी होने पर, मतलब हमारे भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और भी जितने भी अनुबंध हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी नियम है, उन सब से अगर कोई भी पक्षकार प्रभावित होता है तो भी क्या होगा, अनुबंध का समापन हो जाएगा। इसमें क्या है, पहली कंडीशन है पक्षकार की मृत्यु, अगर मृत्यु हो गई तो अनुबंध का स्वतः ही समापन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है दिवालिया होने पर, दिवालिया घोषित हो गया तो भी अनुबंध का समापन हो जाएगा। अगर आपने मेरे साथ कोई अनुबंध किया है, उस कंडीशन में आप या मैं कोई भी एक व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया, या मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, तो उस कंडीशन में वो अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी उत्तराधिकारी वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद परमाणु के नष्ट होने पर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम तो उसमें एक लिखित अनुबंध करते हैं ना, और वो लिखित अनुबंध कागज पत्र पर होता है, स्टाम्प पेपर पर होता है, तो वो अगर समाप्ति हो गया, वही नष्ट हो गया, तो भी अनुबंध का समापन हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट क्या चाहती है, प्रूफ चाहती है, और आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपका अनुबंध समापन की दृष्टि से पूरा नहीं हो सकता उस दृष्टि से। उसके बाद इसी में पांचवी विधि जो आती है, महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा, पांचवी विधि आती है महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा समाप्ति, यानी कि आपने जो भी अनुबंध करते समय शर्तें तय की थी और एक दूसरे पक्षकार को बिना बताए उनमें क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, तो भी अनुबंध का समापन हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, किस चीज की, प्रस्ताव का समय और स्वीकृति का समय, और साथ साथ उनकी शर्तों का समय भी होना अति आवश्यक है दोनों पक्षकारों को। ठीक है ना, और बिना बताए आपने अनुबंध में कोई भी परिवर्तन कर दिया, कोई मेजर परिवर्तन भी कर दिया या छोटा सा परिवर्तन भी कर दिया, तो भी अनुबंध का समापन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट विधि आती है अनुबंध भंग या खंडन द्वारा समाप्ति, अनुबंध भंग या खंडन द्वारा समाप्ति, तो भंग करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं या खंडित करना चाहते हैं, तो किस तरीके से, इसमें आपको पहले भी बताया कि पीड़ित पक्षकार को स्वयं को सिद्ध करना होगा कि जिस समय मेरे साथ अनुबंध किया गया था तब मैं स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं था, तो इसमें वो कंडीशन आएगी 20+4 और 4+20 वाली कंडीशन, यानी कि अगर आप 20 घंटे स्वस्थ है और 4 घंटे अस्वस्थ रहते हैं, किस समय रहते हैं नहीं पता, तो ये किससे साबित होगा, मेडिकल रिपोर्ट से। ठीक है ना, और अगर उस समय अगर आपके साथ कोई अनुबंध किया गया है और आप उस अनुबंध को खंडित करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं को सिद्ध करना होगा कि जिस समय मेरे साथ अनुबंध किया गया था उस समय मैं स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं था, तब आप उस अनुबंध का खंडन कर सकते हैं। उसके बाद आती है सातवीं जो विधि आती है निष्पादन की असंभवता, यानी कि जो कार्य पूरा करना संभव ही नहीं है। मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताया कि मैं चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, पॉसिबल है
नहीं ना। और इस चीज का हम अगर अनुबंध करते हैं, कोई शर्त भी लगाते हैं, तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। चलो बाई चांस किसी ने लगा भी लिया, ठीक है ना, और बाद में वो कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो वो अनुबंध असंभव कार्य से संबंधित है। या अभी थोड़ी देर में बारिश आएगी, क्या संभव है? नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, अंतर्यामी नहीं हूं, जो ये कह दूं साबित कर दूं कि अभी बारिश आएगी ही आएगी, पॉसिबल नहीं है। तो निष्पादन की असंभवता यहां लागू होती है कि वो कार्य पूरा करना संभव ही नहीं है, जो कार्य है पूरा करना संभव ही नहीं है, तो वो पहले से ही समापन की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और इसमें कुछ बातें आती है कि एक यहां पर विद्यमान असंभवता, इसमें दो बातें आती है, एक तो असंभवता विद्यमान होती है और एक कंडीशन आती है आकस्मिक असंभवता। दो प्रकार की असंभवता होती है, एक तो विद्यमान, जैसे अब कार्य कर रहे हैं फैक्ट्री में, देखिए वहां पर नुकसान होने की दृष्टि किन किन तरीकों से है, एक तो आग लग जाना प्लस दूसरा कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना या कोई मशीनरी खराब हो जाना, जिसके कारण वो कार्य पूरा करना असंभव हो सकता है। तब एक तो ये तो विद्यमान रहती है, एक होती है आकस्मिक जो प्रकृति के कारण आती है, ठीक है, जैसे तूफान बारिश, ये चीजें कब आ जाए कोई संभव नहीं है ना। तो इन तरीकों से अगर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता तो भी वो अनुबंध समापन की ओर चला जाता है। इसी में एक बात और आती है, निराशय या विवशता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को, इस बात को निराशय या विवशता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। निराशय या व्यवस्था के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, निराशय व्यवस्था के सिद्धांत में विषय वस्तु का नष्ट हो जाना या पक्षकार की मृत्यु या अयोग्य हो जाना या कोई राजनियम में परिवर्तन हो जाना या परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाना या किसी विशिष्ट घटना का घटित हो जाना या कोई युद्ध छिड़ जाना या कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इस कार्य को आप पूरा नहीं कर सकते, तो ये सारी कंडीशंस आकस्मिक असंभवता की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। और जो विद्यमान है वो तो ऑलरेडी पहले से ही पता होती है, तो वो घटना घटेगी तभी वो अनुबंध समापन की ओर जाएगा। अगर और ये आकस्मिक में क्या हो गया, विषय वस्तु नष्ट, पक्षकार की मृत्यु, न्यायालय के आदेश पर और युद्ध छिड़ जाना किसी प्रकार का कोई भी, तो ये सारी कंडीशंस या परिस्थितियों में परिवर्तन या राजनियम में परिवर्तन, राजनियम में परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन तो ये सारी कंडीशंस क्या होती है, आकस्मिक की श्रेणी में आती है। इसीलिए इसे निराशय या व्यवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर वहां क्वेश्चन आ जाए कि निराशय या व्यवस्था के सिद्धांत को समझाइए, तब आपको ये सारी बातें लिखनी है कि मृत्यु हो गई पक्षकार की या अयोग्य हो गया या विषय वस्तु नष्ट हुई, तो कोई विशेष घटना घट गई, युद्ध छिड़ गया, तो ये सब कंडीशंस आकस्मिक की श्रेणी में आती है और अनुबंध निश्चित रूप से समाप्त होगा ही होगा, ये घटनाएं घट गई। तो आज ये हमारा अनुबंध की समाप्ति का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित या पीछे जो मैंने जो टॉपिक करवाए हैं उसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कॉलेज समय में आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।